हाय गाइज, आई एम प्रथम शौकीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया। आज हमारे पास है भाई स्कोडा कुशाक 1 लीटर TSI, जो बेस वेरिएंट से ऊपर वाला वेरिएंट, और भाई ने बहुत काम करा रखा है जो इनके ओनर है। तो जो ओनर है वो है हमारे आरव सेठी भाई। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भैया। भाई का भी चैनल है, नाम बता दो भाई अपने चैनल का। आरव सेठी के नाम से है। आरव सेठी के नाम से है। तो भाई के चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई ने अपनी गाड़ी के बारे में बहुत सारी बातें वहाँ बता रखी है, जो जो इसमें मोड्स हो रखे हैं। तो भाई आपने कुशाक लिया है वेरिएंट, ये बेस से ऊपर वाला है। तो बेस से ऊपर वाला लेने का क्या मन बना ऐसा? क्योंकि स्कोडा में है ना, मैंने ये देखा कि ज़्यादातर सोफेस्टिकेटेड लोग लेते हैं और टॉप वेरियंट लेते हैं, और जैसे जो हमारी एज के बंदे हैं जो मोड्स कराते हैं वो क्रेटा सेल्टोस ऐसी गाड़ियाँ लेते हैं। तो बात ये थी कि लाइक स्कोडा से तो मैं हटना नहीं चाह रहा था। मेरी इससे पिछली भी रैपिड थी, तो लाइक इसको लेने से पहले मैंने 15-20 गाड़ियों का वो करा, टेस्ट ड्राइव वगैरह सब कुछ भी। बट वो ये ना, एक स्कोडा पे जब मन होता है तो आप स्कोडा से जा नहीं सकते। फिर बेस मैंने इसका इसलिए लिया बिकॉज बेस में कुछ भी नहीं था। लाइक बहुत चीज़ें होती है, एसी वगैरह अलग, डीफॉगर वगैरह, मतलब बहुत चीज़ें होती है। क्या डीफॉगर इसमें भी नहीं है, मैं आपको बताऊँ, सिर्फ टॉप में आता है डीफॉगर भी, और बैक वाइपर भी सिर्फ टॉप में आता है। बट मतलब वो ये बेस आपको पता है कि बिल्कुल वो ख़त्म होती है, फिर मैंने इसलिए उसके ऊपर वाला लिया। और स्पीकर्स कंपनी के अच्छे थे, बट जब मैंने उन स्पीकर्स का सब वूफर लगाया, आम्प लगाया, ट्वीटर एक्स्ट्रा ऐड करवाए, तो इतना इफेक्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर सारे स्पीकर्स भी चेंज करवा दिए। तो सारे स्पीकर्स मैंने वही मैक्सलिंक कंपनी से लगवाए हैं, बिकॉज उसका ओनर मेरे लाइक भैया है, तो सारा सिस्टम उनका है, एम्पलीफायर उनका है। इवन मेरी हेडलाइट्स जो है, लाइक अगर इसको आप रात में ले जाओ HIDs को हाई बीम पे कर दो, पूरी रोशनी रोशनी हो जाएगी। सिद्धू मूसेवाला का ट्रैक्टर है, सेम उन्हीं के HIDs लगी हुई है। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला का जो ट्रैक्टर है वही HIDs इसमें लगी हुई है कुशाक में। तो भाई ये देखो, ऐसी ऐसी मॉडिफिकेशन भाई ने करवा रखी है। तो ये जो बेस से ऊपर वाला वेरिएंट है, तो ये तो सिर्फ 1 लीटर में ही आता है। 1 लीटर में। और ऑटोमेटिक तो आती नहीं होगी इसमें शायद? ऑटोमेटिक आती है, बट वही टॉप आता है 18 समथिंग का। तो ये आपको कितने का पड़ा ये वेरिएंट? लगभग 15 का पड़ गई थी, 15 लाख की। और लाइक मैंने ऊपर काम करवाया तो 17 मान लो, एंड लाइक अगर मैं टॉप लेता वो भी मेरे को 1850 समथिंग का पड़ रहा था। मतलब 2 लाख की आपने इसमें मोटी मोटी मॉडिफिकेशंस करा दी है। तो भाई क्या क्या कराइए? बाहर से तो अलॉयस देख ही पा रहा हूँ मैं। मैंने करवाए हैं, अगर आप देखो, हाँ, टॉप मॉडल में भी इसके 360 कैलिब्रेशन नहीं होती। अच्छा, मैंने 360 कैलिब्रेशन करवाई है। ये देख लो भाई, आगे पीछे 360 इसमें कैमरा लगा हुआ है। इवन वो टॉप में 1.5 में भी नहीं आती। अच्छा, जो टॉप में नहीं आता भाई ने वो अपने बेस से ऊपर वाले वेरियंट में करा। एक तरीके से आप इसको बेस ही मान सकते हो, और पूरी भाई ने तैयार करवाई है। और कहीं से भी ये गाड़ी आए ना भाई, मेरे को ओवर मॉडिफाइड नहीं लग रही है। जो एक खचरी छपरी टाइप हो जाता है ना, मैं मतलब मेरा ना ओवर मॉडिफिकेशन में वैसा हो भी नहीं। अब जैसे उन्होंने कहा था बेस ट्यूब रख ली डिग्गी में, मैंने बोला नहीं मेरे को खाली रखना है, तो उन्होंने फिर मेरे को अंडर सीट सजेस्ट करे। अंडर सीट सब ऊपर है, इसमें एम्पलीफायर है, लाइक सारी स्पीकर्स और सिस्टम अगर आपने देखा होगा एंड्रॉइड। चलो अंदर ही चलते हैं भाई, अंदर ही बैठ के आप मेरे को दिखाओ। ये चाबी का भी भाई ने कवर ऐसा कुछ ले रखा है। चलो भाई आ जाओ। तो भाई ये सीट कवर्स आपने डलवाए हैं? हाँ, ऑटोक्राफ्ट से। ऑटोक्राफ्ट से डलवाए हैं। इनकी भी फिनिशिंग जो है ना भाई, फिट एंड फिनिश बहुत सही आ रही है। और जो ये डैशबोर्ड पे ब्राउन है, ये भी आपने करवाया शायद ऑटोक्राफ्ट से। इवन ये जो पूरा पियानो फिनिश हुआ है, अच्छा, ये सारा ब्लैक ग्लॉसी, ये सारा सिर्फ टॉप में आता है। तो ये बेसिकली यही चीज है मैं कह रहा था। तो टॉप में ये सारा, मतलब ये भी, इवन ये पियानो फिनिश, ये पियानो फिनिश, ये सब, ये सारा मैंने बाहर से करवाया, पूरा इंटीरियर करवाया। तो यार ये तो फिनिशिंग तो बहुत अच्छी दी है, ये लोगों ने भी कराया ये काम। कोई ये सारा ऑटोक्राफ्ट से हुआ है। तो ऑटोक्राफ्ट ने कितना चार्ज करा, जैसे सीट कवर और आपका पियानो फिनिश के लिए? सीट्स और सिर्फ पियानो फिनिश, सिर्फ ये पेंट, उसके 60,000 रुपीज लिए। 60,000, क्योंकि उनके सीट कवर 14,000 के होते हैं। और लाइक अगर आप उन पे जाओगे तो आप, एक होता है ना कि आप कार देके आ रहे हो, बोलेंगे हफ्ते बाद कार देना हमें, और 5 दिन बाद कार लेना हमसे वापसी। अच्छा अच्छा। लाइक उनके शोरूम पे मैंने अपने ब्लॉग में डाला था, 30 कार्स कम से कम खड़ी होती है। तो मतलब अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम है। मैं देख भी पा रहा हूँ, वरना भाई सीट कवर्स की जो फिटिंग होती है ना वो आती नहीं है। और भाई ने पूरा यहाँ से जैसे ब्राउन करा रखा है, यहाँ ब्राउन करा रखा है, ये भी पियानो फिनिश बाहर से हो रखा है, ये भी बाहर से हो रखा है। वरना आपको ऐसा मिलता है जो इंटीरियर होता है ना, ऐसा लो क्वालिटी लगता है, वो थोड़ा चीप लगता है। तो भाई एम्बियंस भी पूरी करवाई है, लाइक सारे नीचे जला के दिखा देते हैं भाई। एम्बिएंट लाइट जो है, एम्बिएंट लाइट क्या पड़ी भाई आपको? क्या एम्बिएंट इनकी थी 13,500 अप्रोक्सीमेटली, बट उसमें क्या क्या है, ये सारी डोर्स में एंड इस स्पीकर में। भाई ये क्या है?
ये 360 कैलिब्रेशन जैसा लग रहा है मेरे को। 360 कैलिब्रेशन जो मैंने कराई है अभी ना ठीक होनी है, बिकॉज मेरे स्टीरियो कल ही चेंज हुआ है तो उसकी फिर से पूरी कैलिब्रेशन होगी। तो नीड फॉर स्पीड का स्टीरियो है, नीड फॉर स्पीड का। तो यहाँ पे भी लगी हुई है और इसमें ये देखो टच सेंसर है, ये मैंने टच करा चेंज होगी। हाँ ये मैंने देखा यार, थार में भी है ना यहाँ पे होती है, तो वहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हो आप लाइट। ये बहुत सही चीज आने लगी, एक बार करके दिखाओ भाई। देखो जैसे अब ग्रीन है तो मेरा बस इस डोर में प्रॉब्लम आ रही है, ये देखो मैं टच करा अभी हो नहीं रहा भाई। हाँ हो गया, पर्पल हो गया और बाकी सारे ब्लू है, तो बस ये प्रॉब्लम आ रही है इस डोर में। आपकी फेवरेट कौन सी लगती है इसमें? पर्पल मेरे को रेड लगती है। रेड रेड करके दिखाओ भाई। ये रेड अच्छी लग रही है। बाकी भाई जैसे ये बेस वेरिएंट ही है एक तरह से, तो इसमें क्या क्या मिला था आपको? जैसे कंट्रोल्स है वो तो मैनुअल मिल गए भाई, एसी के ट्रैक्शन मिल जाता है, लेकिन भाई आपको बेसिकली वो ये बेस में अब इसका ट्रैक्शन नहीं आता, हाइब्रिड नहीं आता, और ये जो है ये बिल्कुल ही वो आता है। और जो आपका स्टेयरिंग है वो भी शायद टॉप मॉडल जैसा ही है, बिल्कुल सिमिलर है या वही है? नहीं नहीं टॉप मॉडल वाला ही है, वही है ना। टॉप और टॉप से मिड वाले में बस ये स्टेयरिंग आता है, बेस में स्टेयरिंग भी अच्छा नहीं है, मतलब वो सिंपल होता है। मेरे को तो भाई इसका स्टेयरिंग बहुत पसंद आता है पर्सनली। और जो इसका क्लस्टर है बेस में वो भी लाइक बिल्कुल जैसे वो ये टॉप मॉडल वाला ही है, टॉप मॉडल वाला ही है, डिजिटल नहीं देती है भाई स्कोडा। तो इसलिए फिर मैंने ये मिड वाला उठाया कि लाइक बेस भी ना लगे और टॉप भी ना लगे, तो मैंने अंदर काम करा के टॉप करा दिया इसको। तो चलो भाई चला के देखते हैं एक बार इसको कि चलती कैसी है। 1 लीटर TSI स्कोडा कुशाक मैनुअल, जैसे मैंने स्लाविया चलाई है, टाइगून चलाई है, तो मुझे उसमें भाई मज़ा नहीं आया था बिल्कुल भी। वो उसमें फील होता है प्रॉपरली कि भाई ये 3 सिलेंडर इंजन है भाई। तो चला के ये फील हो रहा है भाई, अभी तो मैं स्लो स्पीड पे हूँ, कि रिफाइंड इंजन है इसका, बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट बहुत है गाड़ी में। रेटलिंग साउंड हल्की सी मुझे यहाँ से फील हो रही है, जैसे पहले की स्कोडा में नहीं होती थी। अच्छा इसलिए हुई है, पूरी लाइक खुली है ये, तो ये ड्रॉबैक रहता है कि अगर आप बाहर से मॉडिफिकेशन कराते हो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी। तो वैसे भी मैंने एक चीज नोट करी है भाई, जैसे कि कॉस्ट कटिंग अब ज्यादा करने लग गए हैं फॉक्सवैगन और स्कोडा, पहले वाली फील नहीं रही गाड़ियों में। लेकिन भाई अब इसको खींच के देखते हैं, जो मेन मेरा वो है ना कि परफॉर्मेंस मेरे दिमाग में तो हर टाइम वही रहती है कि कैसी परफॉर्मेंस है भाई। सही बताऊँ ना, टाइगून और स्लाविया से बेटर ट्यून किया हुआ है इसका इंजन, इंजन सेम आता है वही 1 लीटर TSI 3 सिलेंडर इंजन। इसमें फील अलग हो रही है भाई, इसमें वो 3 सिलेंडर वाली फील बिल्कुल भी नहीं लग रही है मेरे को। हाँ अगर एंड की बात करें, इसका जो एंड होगा वो कम हो सकता है क्योंकि 3 सिलेंडर है, उसमें आपको फील हो सकता है, लेकिन इनिशियली और मिड में इसका भाई बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि 3 सिलेंडर है। बहुत मज़ेदार फन टू ड्राइव लग रही है 1 लीटर ही, और सोचो 1.5 की तो आपने रेस देखी है मेरे चैनल, वो कितनी फास्ट होगी, गजब। 6500 RPM तक इसका पावर बैंड है भाई, ये देखो जब ही चढ़ गई भाई कहीं फील ही नहीं है 3 सिलेंडर की। और टाइगून मैंने चलाई वो वैसे ऑटोमेटिक थी टॉर्क कन्वर्टर, शायद कुशाक भी टॉर्क कन्वर्टर वैसी ही हो, मैनुअल अलग है भाई, जैसे मैनुअल की ट्यूनिंग अलग होती है, तो उसमें तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। स्लाविया में भी मेरे को मज़ा नहीं आया, मेरे को स्टेबल भी कम लगी स्लाविया क्योंकि ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत ज्यादा है। स्लाविया के यार अच्छे है नो डाउट, बट अगर परफॉर्मेंस वाइज देखे और लाइक बिकॉज सेगमेंट एक अलग है और आजकल की डेट में ये सेगमेंट थोड़ा अप है मिनी एसयूवी, बिल्कुल भाई बिल्कुल, तो इसलिए मैं इस पे गया। ग्राउंड क्लीयरेंस ठीक है, आपको इनफ लगता है इसका? नहीं नहीं बिल्कुल सही है भाई। एक तो मेरे को इसका कलर बहुत पसंद आया आपकी गाड़ी का, मेरे को पहली बार कुशाक की लुक अच्छी लगी है, क्योंकि आपके जो व्हील्स हैं वो भी शायद वाइड है और मैंने लाइक अपग्रेड करवाया है 17 इंच। और ये कलर मेरे को इस गाड़ी पे बहुत अच्छा लगा भाई। क्या नाम है इस कलर का? कार्बन स्टील। कार्बन स्टील लाइक इसमें ब्लैक नहीं आता, तो सबसे डार्क ये कलर है। ओके शॉक में तो भाई व्हाइट में तो मेरे को ऐसी कुछ खास नहीं लगी थी, आपने मेरी वीडियो में सुना भी होगा, मैं गर्लिश बोल रहा था गाड़ी को, काफी हेट मिली थी मुझे उस बात पे। लेकिन आज सच में टू बी ऑनेस्ट मेरे को गाड़ी काफी सुंदर लग रही है, क्योंकि इसके जो व्हील्स है ना, मैं आपको अभी बाहर से लुक दिखाता हूँ, मॉडिफिकेशन तो आपको बता दी। स्पीकर कितने लगे हुए भाई ये नहीं बताया आपने? 4 डोर। ये जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ ये उसी का है, यहाँ पे सब ऊपर लगा हुआ है, सेट होगा। अच्छा ये सब ऊपर में, वायरिंग वगैरह में दिक्कत आ गई क्या? नहीं नहीं वायरिंग में नहीं, इसका ये पिन है, ये देखो ये पिन लाइक टूट गया, लाइक पैर लग गया ऐसे तो टूट गया। बाकी ट्विटर हमारे आगे चार अंदर है, और एक ये पीछे छोटा सा मैंने इतना सा सर्कल भी लगवाया नीचे। किस चीज के लिए? ट्विटर, एक और ट्विटर।
ओके यहाँ पे लगा हुआ है। हाँ। भाई ट्विटर भाई ने मतलब म्यूजिक को भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी है कि अच्छा म्यूजिक सिस्टम भाई को चाहिए। और लाइक ये एंड्रॉइड स्क्रीन चेंज करवाई थी क्योंकि ओरिजिनली ये लैगी तो नहीं है। नहीं यार बिल्कुल भी लैगी नहीं है यार, मेरे को लगा ये तो टच अच्छे से काम ही नहीं करेगा। कंपनी के मैंने लगवाए है लाइक मैक्सलिंक जो है, तो ओवरऑल इंडिया को टोयोटा में बैक कैमरा वही कंपनी देती है। ओके तो आप सोच सकते हो उनका लेवल। तो चलो भाई एक बार गाड़ी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, मॉडिफिकेशंस जो भाई ने करवा रखी है काफ़ी पसंद आई और बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रखी है। अच्छी बात यही है मॉडिफिकेशन आप कितनी अपने टेस्ट के हिसाब से अच्छा टेस्ट करवा लो, लेकिन अगर वो ढंग से नहीं हो रखी होगी ना भाई, जैसे उखड़ रही हो यहाँ से, तो वो अच्छा नहीं लगता है। फिर ऐसा ही होता है कि यार पैसे भी ख़राब करे, 2 लाख रुपये मिला के टॉप मॉडल ही ले लेते हैं ना। तो एक बार बाहर से और दिखाते हैं भाई गाड़ी। ये कलर है भाई, ये कलर की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें गाड़ी गजब लग रही है। और व्हील्स आप देख ही रहे हो भाई ने अपग्रेड करा रखे, अलॉयज लगवा रखे हैं। तो ये देखो पीछे से लुक देखो आ रही है भाई, लुक अच्छी आ रही है। अलॉयज का रेट क्या पड़ा था भाई आपको? अलॉयज ये मेरे को 38,000 के पड़े थे। 38,000 विद टायर? ना विदाउट टायर मेरे को 12,000, टोटल 50,000 का पड़ा था। बिकॉज लाइक ओरिजिनली 16 इंचेस के थे, तो फिर मैंने 17 इंचेस के लिए वो भी ब्रिजस्टोन के, तो इसलिए मेरे को लाइक मैंने क्रोल बॉक्स ही लिए थे जहाँ पे अलॉय मार्केट है पूरी। तो भाई यही था स्कोडा कुशाक का रिव्यू। रिव्यू वैसे मैं कम लेता हूँ इस गाड़ी का, मैंने इसलिए लिया क्योंकि पहली बार मैंने कोई ऐसा भाई देखा है जो बेस मॉडल लेके और इतना अच्छा काम करवा रखा है। क्योंकि स्कोडा ओनर्स मैंने देखे ज़्यादातर सब जो एज्ड लोग होते हैं वही लेते हैं, सोफेस्टिकेटेड लोग हमारे जैसे क्रेटा, सेल्टोस, पोलो, स्लाविया ऐसी गाड़ियाँ लेते हैं। और भाई ने काफ़ी अच्छी मॉडिफिकेशन करा रखी थी तो इसका रिव्यू बनता था। तो आपको भी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और भाई के चैनल पे इसकी वीडियोस मिल जाएंगी जो जो भाई ने इसमें मॉडिफिकेशंस करा रखे हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और भाई से मैसेज भी कर सकते हो, भाई को इंस्टाग्राम आईडी बता दो, Arav120। तो भाई से पूछ सकते हो कि कहाँ कहाँ से क्या क्या काम करा रखा है। वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना भाई। तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू गाइस।